ये है PHT1 ओनर ऑफ बेस्ट लाइफ स्टाइल सर्वर फायर MC जहाँ पर खेलते हैं एक बारी में 500 से भी ज्यादा प्लेयर्स। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ आज मैं पूरे के पूरे फायर MC सर्वर को हैक करने वाला हूँ। वो स्विपी भाई तो मूड कैसे रहे हो? हेलो, तो अब आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं फायर MC जैसे सर्वर जहाँ पर प्लेयर्स पर दिन भर नजर रखी जाती है, मैं उस सर्वर को हैक कैसे करूंगा? गुड क्वेश्चन। अरे टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम पीछे जाना पड़ेगा। सागर के पुल के नीचे तेरी माँ भजी तले, मेरा बाप खा के चले, मेरा बाप खा के चले। ओ वेट, ये कौन कॉल कर रहा है डिस्कॉर्ड पर? अरे डेवल भाई, मेरे को क्यों कॉल कर रहे हैं? इनको क्या काम पड़ गया मेरे से? हेलो भाई, ऐसा क्या हो गया, इतना इम्पोर्टेंट क्यों बुला रहे हो इसी? अरे तेरे लिए सरप्राइज है मेरे पास। क्या सरप्राइज है? अरे लाइक मैं स्टाफ पे प्रमोट हो गया, सीनियर स्टाफ पे फायर MC में ना प्रमोट हो गया मैं। रियली? हाँ भाई, तू जाके देख लेना। तो मतलब प्रमोट हुए हो तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिल गया है या फिर? हाँ सब पम्प जाए इजी। ऑपरेटर सब कुछ? हाँ सब कुछ। अरे यार मैं तेरे से कहाँ पर बात करूँ, चल मैं जा रहा, मेरे को काम करना है, वो निकालना दे स्टाफ से। अब आप भी यही सोच रहे होगी कि मैं डेविल से, जो कि फायर MC का ऑफिशियल स्टाफ है, उससे पंप्स लेके फायर MC को हैक कर लूंगा। बट आप गलत हो, क्योंकि मैं उससे पंप्स मांगने जाऊंगा तो वो तो सीधा मेरे को मना कर देगा, उल्टा मारेगा। और इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे डेविल मजबूर हो जाए मुझे पंप्स देने के लिए। तो देखो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, या तो मैं डेविल से बातचीत कर पंप्स ले लूं, या ऑप्शन टू, मैं डेविल को डरा धमका कर पंप्स ले लूं। एंड मैंने ऑप्शन टू को चॉइस किया क्योंकि मेरे को पता था ऑप्शन वन तो काम करेगा नहीं। सही खेल गया मैं। लेकिन मैं डेविल को डराऊंगा और धमकाऊंगा कैसे, इसलिए मैं चल देता हूँ यूट्यूब पर रिसर्च करने। एंड बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद मुझे मिलती है एक बंदे की वीडियो जिसमें वो बंदा ब्लॉक्स के टेक्सचर पैक चेंज करके दिखा रहा था। अब आप सोच रहे होगे कि टेक्सचर पैक का डराने और धमकाने से क्या लेना देना। तो देखो आप लोगों को पता ही होगा कि अपन माइनक्राफ्ट में किसी भी ब्लॉक का टेक्सचर पैक चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ मैंने किया। मैंने बनाए 3 फेक टेक्सचर पैक्स, एक बेडरॉक का, एक बैरियर का और एक ड्रैगन एग का, और उनको अपने माइनक्राफ्ट में इंस्टॉल कर लिया। सो अभी आपको मेरी यूनिटी में दिख रही होंगी 3 चीजें, स्टोन ब्लॉक, बोन एंड सैपलिंग। एंड अब मैं लगाऊंगा वो जादुई टेक्सचर पैक एंड देखेंगे कि इन ब्लॉक्स का टेक्सचर पैक चेंज होता है नहीं। तो ये रहा वो जादुई पैक, एंड लगाते हैं इसको। एंड ये लोडिंग हो रहा है, काश ये वर्क कर जाए। हो जा जल्दी यार लोडिंग। ओ भाई, लिटरली इन ब्लॉक्स का टेक्सचर पैक चेंज हो चुका है। स्टोन का हो चुका है अपन का बेडरॉक, और बोन का बैरियर, और ये देखो सैपलिंग बन चुकी है अपन का ड्रैगन एग। एंड अभी आने वाला है गेम में असली मजा। तो मैं फटाफट से फायर MC ज्वाइन करता हूँ एंड एक जगह पर चेस्ट में बहुत सारा स्टोन, बोन एंड सैपलिंग लग देता हूँ। देन वो टेक्सचर पैक लगाकर एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ एंड वो स्क्रीनशॉट डेविल भाई को DM कर देता हूँ और कहता हूँ कि मुझे माइनिंग करते वक्त चेस्ट मिली, उसमें यह सामान था। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो अब आप लोग सोच रहे होगे इससे होगा क्या, तो वो आपको आगे पता चलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार था डेविल भाई का ऑनलाइन आने का और यह स्क्रीनशॉट और मैसेज देखने का। The next day. So, अगले दिन डेविल भाई का रिप्लाई आ चुका था एंड वो काफी ज्यादा शॉक थे एंड मेरे को अर्जेंट VC बुला रहे थे। एंड अब टाइम आ गया था अपना रियल प्लान एग्जीक्यूट करने का, जिसके लिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की। अरे भाई ये क्या हो रहा है, फायर MC में खेलना मुश्किल हो गया। मैं माइनिंग कर रहा था तो मेरे को एक रैंडम चेस्ट मिली, मैंने उसको खोल कर देखा तो उसमें इतने सारे इलीगल ब्लॉक्स थे। अरे ये कहाँ से मिला आपको? अरे मैं जस्ट माइनिंग कर रहा था वहीं पे मिला। मैं क्यों सामान दूं भाई, ये इलीगल मेरे को मिला है, मेरे को मिला है। मैं ध्यान दे, ऐसा लग रहा है मैं हूँ स्टाफ में, आप नहीं हूँ स्टाफ में, आप क्या देखभाल कर रहे हो सर्वर? अरे दे दो मुझे सारा, मैं ले लूंगा, दे दो मुझे सारा ये सामान। नहीं नहीं मैं तो जा रहा हूँ PHT1 भाई के पास कंप्लीट करने, उनको ये स्क्रीनशॉट भेजूंगा एंड आप स्टाफ से निकल जाओगे। अरे नहीं नहीं, अरे भाई रुको रुको रुको, स्लिप भी तुम मुझे स्टाफ से क्यों निकलवाना चाहते हो? देखो मैं सीधी सीधी बात पे हूँ, बताओ। मैं बना रहा हूँ एक वीडियो, उसके लिए मुझे सिर्फ 24 आवर्स के लिए फायर MC सर्वर में पंप्स चाहिए। मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा एंड वो पंप्स आप ही दे सकते हो क्योंकि आपके पास ऑपरेटर सब कुछ है। ना 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 ब्रो, ब्रो सोच लो, अगर मैं PHT1 भाई के पास चला गया और उनको यह स्क्रीनशॉट भेज दिया तो आप तो स्टाफ से निकल जाओगे और आपकी सारी पंप्स भी ले ली जाएंगी। अरे बट नहीं दे सकता ना मैं पंप्स, रूल्स के खिलाफ है। अरे भाई ये तो आपके ऊपर है, आपको पंप्स देनी पड़ेगी। स्लिप भी तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। मैं 2 मिनट में तुम्हें बैन कर सकता हूँ सर्वर से, तुम्हारा नाम निशान मिटा सकता हूँ। रियली? मेरे को पता था आप कुछ ऐसा ही बोलोगे, इसलिए मैंने पहले ही। आपको क्या लगता है इस जगह पे सिर्फ इतना ही इलीगल आइटम होगा? इससे ज्यादा था, मैंने पहले ही एक अपना ऑल्ट अकाउंट बना के उसमें ट्रांसफर कर दिया है। और अगर आप मेरे को सिर्फ 24 आवर्स के लिए परमिशन नहीं दोगे फायर MC में, तो मैं उस ऑल्ट अकाउंट से पूरा सामान फायर MC में बांट दूंगा और पूरी फायर MC की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। वेट वेट वेट, मत करो, रुको मुझे सोचने का टाइम दो थोड़ा। आपको सोचना है कि आपको स्टाफ में रहना है। आप मेरे को सिर्फ 24 आवर्स के लिए दे सकते हो, बस मैं कुछ भी नहीं करूंगा और किसी को
खबर भी नहीं होगी कि मेरे पास पंप्स आई थी और चली भी गई। वेट, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। ये डिसीजन आपके ऊपर है, आप अच्छे से सोच लो एंड अपना डिसीजन बताओ मेरे को। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा था। मेरा शुरू से यही प्लान था कि डेविल को मजबूर कर दूं मुझे परमिशंस देने के लिए, एंड मैंने वैसा ही किया। हाँ भाई, तो क्या डिसीजन लिया है आपने? मैंने बहुत सोच के ये डिसीजन लिया कि लाइक मैं तुम्हें पंप्स दे रहा हूँ। हाँ, अगर तुमने ये स्क्रीनशॉट फिरोज भाई को दे दिया तो फिर मैं भाई तब भी स्टाफ से निकलूंगा। अगर तुम्हें मैं पंप्स नहीं देता और तुम ये अपनी ऑल्ट आईडी सारा सामान निकाल के लाइक सर्वर में बांट दोगे तो सर्वर की सारी इकोनॉमी सारी खराब हो जाएगी, तो फिर भी मैं स्टाफ से निकलूंगा। तो मैं तुम्हें पंप्स तो दे रहा हूँ लेकिन किसी को बोलना मत, और एक शर्त पे दे रहा हूँ तुम्हें पंप्स, एक वादा करोगे तुम मुझसे? कैसा वादा? तुम ये पंप्स का कुछ गलत काम नहीं करोगे ना, लाइक कोई अब्यूज नहीं करोगे इस पंप से? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ पंप्स वीडियो के लिए चाहिए, मैं कुछ भी गलत नहीं करने वाला। आप में इतना विश्वास कर सकते हो मुझ पर। ओके, मैं दे रहा तुम्हें पंप्स। कुछ ही देर में डेविल भाई गेम में आके मुझे परमिशंस दे देते हैं, एंड मैं बन चुका था 24 आवर्स के लिए फायर एमसी का ओनर, एंड एक तरीके से मैंने कर ली थी फायर एमसी सर्वर हैक्ड। नॉर्मल बंदे जो नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ, एंड लिटरली अभी मैं क्रिएटिव मोड में हूँ। ये सब एक सपने जैसा है, लेकिन कुछ करने से पहले तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा माइनक्राफ्ट सर्वर जिसके अंदर आप लाइव स्टील एसएमपी एंड पीवीपी खेल सकते हो। इस सर्वर का नाम है एक्सोटिक नेटवर्क। इस सर्वर की खास बात यह है कि ये सर्वर इंडियन होस्टिंग पे है, जिससे आप 30 MS की पिंग में खेल सकते हो। इसका मतलब है कि आपको हल्का सा भी लैग फील नहीं होने वाला है। एक और अमेजिंग चीज जो आप लोगों के लिए, लाइव स्टील गेम मोड में 1 दिसंबर तक जो वोट के लीडर बोर्ड में टॉप रहेगा उसको मैं गेम में आकर ओपी लूट दूंगा। इस सर्वर की आईपी आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, तो अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इनका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। परमिशंस आ गई हैं तो कुछ करते भी हैं, बट मैं कुछ गलत नहीं करने वाला क्योंकि मुझे भी पता है कि एक सर्वर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और कोई बंदा उसे आकर ख़राब कर जाए तो कितना ज़्यादा दुख होता है। तो अपन अच्छे काम करेंगे, तो मैं बंदों को लूट देने वाला हूँ क्योंकि एक लाइव स्टील सर्वर है, इसमें बंदों को लूट चाहिए पड़ती है और काफ़ी बंदों के पास तो लूट ही नहीं होती है। तो मैं देने वाला हूँ बहुत सारे बंदों को काफ़ी अच्छा अच्छा सामान। मैं जैसे ही काम करने जा रहा था एकदम से डेविल एंड यश भाई मेरे पास टीपी हो जाते हैं। एक सेकंड के लिए तो मैं उनको देखकर डर जाता हूँ। यश, यही वो बंदा है? अच्छा, तो तुम ही हो वो जिसने मेरे स्टाफ को ब्लैकमेल करके परमिशन ले ली। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती करी? हाँ भाई, मैंने माना मैंने गलती की, बट मैंने कुछ भी गलत इस्तेमाल नहीं किया परमिशंस का, उल्टा मैं तो बंदों का भला करने जा रहा था। लेकिन अगर आप चाहते हो मुझे पनिशमेंट देना तो आप मेरे को पनिशमेंट दे सकते हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा।